देन हम लोग बात करेंगे कि आपने जो है इतना बड़ा सेटअप बुलवाया है, इतनी दूर से आया है, क्या रीजन है? सबसे पहले मैं और आपका नाम तमाम फॉलोअर पे हम लोग देखा जाता है कि धड़कन दीजिए झारखंड। अच्छा, तो सब लोग बोलते हैं जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो सेटअप कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सार्जन की फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, सब लोग वहीं भागते हैं। अच्छा, तो उनका सेटअप उड़ीसा में लगा हुआ था, वो खाली नहीं थे, और उनके भैया से हम लोग ने पूछा तो शशि भैया ने साफ मना कर दिया कि मेरा 13 तारीख को प्रोग्राम है। तो पंकज भैया के पास हम लोग गए हुए थे, लेकिन रियलिटी है उनका ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं 900 किलोमीटर दूर आप लोगों को एक अच्छा कवरेज देने के लिए। सो फाइनली गाइस, फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल चरण डीजे ब्लॉग्स। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है एक काफ़ी बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जा रहा था जो कि हमारा मऊ में क्या पड़ता है चिरैया कोर्ट में। तो हम लोग आ चुके हैं आज अपने मेरठ, मतलब दिल्ली से 850 किलोमीटर अगर हम मेरठ का रूट लगाएं तो थोड़ा सा 100 किलोमीटर का और अंतर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं 900 किलोमीटर दूर आप लोगों को एक अच्छा कवरेज देने के लिए, जो कि हमारे भाई लोगों ने हमें मौका दिया, इतनी दूर बुलाया। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। ठीक है, और आप ही की वजह से जो है धड़कन डीजे यहाँ तक आया और हम लोग यहाँ तक आए। तो आप सभी जितने भाई लोग हैं, हमारे विवेक भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो विवेक भाई को भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप यहाँ पे आए विवेक भैया। और मैं थोड़ा सा जो है शुरुआत करना चाहूँगा सर आपसे, आप शुरुआत कीजिएगा अपने नाम से, देन हम लोग बात करेंगे कि आपने जो है इतना बड़ा सेटअप बुलवाया है, इतनी दूर से आया है, क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी धन्यवाद सर। और राजेशवाल, मेरा नाम राजू जायसवाल है जी, मैं प्रॉपर नगर पंचायत चिरैया कोट का निवासी हूं जी, और मैं यहीं से बिलोंग करता हूं। अच्छा, और रघिवास की आपकी जो धड़कन डीजे की जो चर्चाएं होती थी, बिल्कुल मैंने बहुत दूर तक सुनी आपकी चर्चाएं जी। लेकिन प्रेम भाई ने कहा नहीं, धड़कन डीजे का कोई मतलब है, उसको एक बार बुलाया जाए। अच्छा। हम लोग हर साल की भांति कोई ना कोई डीजे मंगाते हैं। अच्छा। दशहरे के पर्व, यानी यहाँ जो दशहरा का त्यौहार है वो बहुत हतोत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है जी। इसी पर्पज में प्रेम भाई ने एक दिन चर्चा किया कि हम क्यों नहीं धड़कन डीजे को बुलाया जाए। तो हमने कहा ठीक है, आपकी जो चर्चाएं हैं लंबे पैमाने पे की जाती है कि धड़कन डीजे बहुत मशहूर डीजे है, बिल्कुल, इसलिए हमने आपको यहाँ एक नगर पंचायत चिरैया कोट में मौका दिया। इसके पहले हम लोगों ने तमाम डीजे बजवाए। अच्छा। लेकिन जो आपकी चर्चाएं थी कि आप धड़कन डीजे के नाम से मशहूर हैं, तो आगे हम देखते हैं कि चिरैया कोट में आप कितने लोगों की धड़कने बंद करते हैं या चालू करते हैं। इसी से मैंने आपको बुलाया। देखिए, धड़कने बंद करने वाली बात नहीं है, ये कि एंजॉय करेंगे बढ़िया सभी को, एकदम एंजॉय होगा, एकदम एंजॉय, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना पब्लिकली लोग सोचते हैं धड़कन बंद कर देना तो फिर गलत वे में चला जाए। नहीं, गलत वे में नहीं जाएगा धड़कन, इसका ये तात्पर्य मेरा कहने का मतलब था कि आपकी डीजे तम की धड़कने कितनी तेज चलती है, उसकी आप चिंता ना करें, बिल्कुल सॉलिड ब्रांड है। जिस हिसाब से, जिस नाम से आपको लोग विख्यात किए हैं जी, आज उसकी चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, विगत कुछ घंटों में आपका जो ओरिजिनल सीन होगा वो हम लोग के सामने होगा, और हम लोग देखेंगे कि धड़कन जो डीजे है जी, नाम से जो मशहूर है चिरैया कोट में क्या कार्य करता है, जल्द हम लोग भी उसके मुरीद बने। बिल्कुल सही बात है, देखिए काफ़ी अच्छी बात बताई है। और मैं बता दूं, जस्ट हमारा जो सेटअप लग ही रहा है और शाम तक ऑलमोस्ट आपको टेस्टिंग सुनने के लिए मिल जाएगी, मिल जाएगा। देन टेस्टिंग के बाद ही हम एक ब्लॉग बनाएंगे जिसमें कि हम चाहेंगे आप लोगों का रिएक्शन मिले हमें। ठीक है, देखिए आप लोग पहले जानते हैं, काफ़ी चर्चित आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो है हमने काफ़ी नाम सुना था, बहुत बहुत डीजे, हाँ, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके का रहने वाला। भाई आप इतने दूर से आए हैं जी, बिना नाम के तो हम लोग बुलाएंगे नहीं। सही बात, और आपका नाम तमाम फॉलोअर पे हम लोग देखा जाता है कि धड़कन दीजिए। तो चिरैया कोट में कुछ ही समय में हम आपकी वासिक स्थिति से रूबरू होंगे जी, मात्र कुछ घंटों के देर है, इसके बाद हम आपके सामने आप भी पेश होंगे और हम भी पेश होंगे कि आप में क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को हम यस और नो में जवाब आपको देंगे जी। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली। देखिए काफी, मैं ये बोलूंगा सर जिस तरीके से बोल लेना है, मेरे को एक्चुअल में ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी जैसे होते हैं ना टीचर्स हो गए, अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा तो लग रहा है जैसे मैं अपने टीचर के सामने बैठा हुआ हूँ आज, टीचर नहीं। अब हमारे ये गोलू भाई हैं संदीप वर्मा जी, सिद्धि ज्वेलर्स नाम से इनकी दुकान है, आपसे बात करें जी। जी बताइए। नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार सर, मैं, मेरा नाम संदीप वर्मा है और ज़्यादातर लोग मुझे गोलू वर्मा के नाम से जानते हैं जी, बाजार में गोलू वर्मा के नाम से जानते हैं, और हमारी सोनारी की दुकान है, सोनारी की दुकान करते हैं हम, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रोडवेज बहुबेगम कटरा है, जो इन्हीं का कटरा बनाया हुआ है। अच्छा। इनका ही कॉम्प्लेक्स है, उसी में हम अपनी दुकान करते हैं, छोटा सा व्यवसाय अपना है, सोनारी का धंधा है हमारा ज्वेलरी का जी, तो हम वहीं पर धंधा करते हैं। और आप लोग का डीजे का नाम तो
बताना ही क्या उसमें, सब लोग जानते ही हैं। विवेक भैया हम लोग उसके पहले भी आए थे तो इनसे थोड़ा मशवरा हम लोग किए थे, राय लिए थे, तो सारी बातें हो ही चुकी है। अब तो शाम को ही देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन अच्छा लगा आप लोग से मिलके, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग का यहाँ स्वागत है, आप लोग अच्छे तरीके से काम करिए और दिल लगा करिए और अच्छे से करिए, ताकि हमारी कमेटी भी खुश हो और सबको अच्छा लगे। प्रेम भाई ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, महीनों दो महीनों से प्रेम भाई बहुत मेहनत किया है, यहाँ वहाँ दौड़ना भागना, तो थोड़ा उसका भी दिल खुश होना चाहिए, बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको खुश करिए बस। धन्यवाद। और प्रेम भाई की शान और सारी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, अच्छा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, टेस्टिंग बढ़िया से कर लीजिए। प्रेम भाई क्या बताना चाहेंगे, ये तो कॉम्पिटिशन लड़ाई की बात कर रहे हैं, देखिए मैं तो ये बोलूंगा एक्चुअल सबको जय श्री राम, और आपके चैनल के माध्यम से जय श्री राम सबको। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे चाचा हैं राजू चाचा, इनका पूरा नाम है राजू जायसवाल, और हमारे गोलू भी हैं संदीप वर्मा जी, प्यार से उनको गोलू वर्मा बोलते हैं। इन लोगों का बहुत एहसान है, इन लोगों का बहुत सपोर्ट है हर चीज़ में, चाहे मैं कोई भी वर्क करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। जितना मैं परेशान हूँ आप लोग आए, जितना मैं परेशान इतना लोग परेशान हुए। कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था नहीं है, लोग रहने खाने का व्यवस्था है कि नहीं है, बार बार पूछना फंगा के रात भर आना, तीन बजे लोग घर पर वापस गए रात में। अच्छा, हाँ 3 बजे रात में घर पर वापस गए हैं लोग। तो इन लोगों का बहुत एहसान, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि भैया छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, एहसान दिखाया नहीं था, करा नहीं था, दिखाया जाता है। बिल्कुल हाँ, भाई तो दिखता है, हाँ। है। और भैया बहुत एहसान इनका, सबसे ज्यादा एहसान मैं बोलूंगा मेरी जिंदगी में इनका और इनका बहुत है, बहुत ज्यादा एहसान है। जब से मैं इनसे गोली भैया से तो मेरा 5-6 साल से संपर्क है, चाचा से मैं 2 साल से, पहले मैं इनसे जब देता इनकी जिस इनसे मैं बात करने से भी डरता था जी। लेकिन अब चाचा ये बोलते हैं कि हाँ आप मेरे लेवल के हो, बात कर सकते हो, जिससे बड़े हो गए हो, कंधे तक आ गए हो, तो बात करना उचित होता है। कोई बात अगर करूँ, गलत काम अगर मैं करूँगा तो भी मुझे सही राह पे लेके जाते हैं, गाइडेंस करते हैं हमेशा, कोई चीज़ के लिए गाइडेंस दोनों लोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रेम तुम बेबी हो, तुम अपने हो, ऐसा था बस, और कुछ नहीं बोलना चाहिए। देखिए जी कुछ कहेंगे, शाम को एंजॉय करेंगे हम लोग, बिल्कुल सभी करेंगे, सभी लोग। हाँ देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, काफी बड़ी व्यवस्था बनाए हुए हैं हमारे सभी भैया लोगों ने, और मैं बताऊंगा हम जहाँ पे रुके हुए हैं वो भी आई थिंक होटल इन्हीं का ही है, चाचा जी बोलेंगे हम भी, राजू चाचा जी का ही, ठीक है, तो इन्हीं का ही है देखिए, और काफी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। मैं एक चीज बोलूंगा, रूम्स वगैरह में अलाउ करे हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम भी 850 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा ये रहता है क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, तो उसका काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, और धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। धन्यवाद जी। हम थोड़ा सा विवेक भाई से पूछते हैं, तो विवेक भाई, भैया बता रहे हैं काफ़ी बड़ा हाथ रहा है आपका डीजे बुक कराने में, तो थोड़ा सा इसको प्रकाश डालिए इस पर। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम जी। और मैक्सिमम लोग मुझे भी जानते होंगे क्योंकि मेरा भी एक ब्लॉग चैनल है विवेक अम्बेडकर नगर। तो मैं यहाँ पर कम से कम 5-6 साल से आ रहा हूँ, और एक तरीके से मतलब यहाँ पर आने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इतना मुझे प्यार सम्मान सब लोग देते हैं मुझे यहाँ पर। मतलब निश्चिंत अगर मैं रात के 1-2 बजे आता हूँ तो मेरे सभी भाई मेरे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी मैं रात को 12 बजे आया, मुझे 12 बजे पर्सनली बाइक से पिक करके ले गए। अच्छा। तो मतलब एक तरीके से मेरा घर है, और यहाँ पर जो कुछ भाई लोग बोलते हैं मुझे तो मैं उस चीज़ पर ज़्यादा गौर करता हूँ कि एक तरीके से अगर भाई लोग बोल रहे हैं तो मुझे कुछ समझ के ही बोल रहे हैं। 4-5 साल से ये लोग जो भी सेटअप करते हैं मेरे से पूछते हैं तभी वो सेटअप होता है, अगर मैं मना कर दूं ऐसा सेटअप नहीं होना है तो नहीं होता है। अच्छा। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहते हैं, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे सेटअप में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस बार सोचा गया कुछ ना कुछ पब्लिक को एक अलग हटके दिखाया जाए जी। तो यूपी में वैसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है, रियलिटी यह है, इसी वीडियो में बता भी देना चाहता हूँ। हम लोग गए थे झारखंड। अच्छा। तो सब लोग बोलते हैं जिसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो सेटअप कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा सार्जन की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, सब लोग वहीं भागते हैं। अच्छा। तो उनका सेटअप उड़ीसा में लगा हुआ था, वो खाली नहीं थे, और उनका यहाँ पर काम भी नहीं था। उसके बाद पंकज भैया और शशि भैया खाली थे। तो पंकज भैया के पास हम लोग गए हुए थे, लेकिन रियलिटी है उनका रोड शो 19 तारीख को है। अच्छा। और हमारा 18 तारीख को है। तब तक काम कन्फर्म नहीं हुआ था। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया 19 तारीख वाला प्रोग्राम है, तो किसी वजह से हम लोग मिल नहीं पाए क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। और शशि भैया से हम लोग ने पूछा तो शशि भैया ने साफ मना कर दिया कि मेरा 13 तारीख को प्रोग्राम है, मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम बड़ा रोड शो होने वाला है जी। तो मतलब दोनों जगह से हम लोग को निराशा हाथ लगी। तो अब दिमाग में यही आया कि हम बाहर आ तो रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हमारे यूपी में भी बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है जो अभी पब्लिक ने सुना ही नहीं है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम अपने एरिया में ही कुछ ऐसा मतलब चीज निकाल के ले गए पब्लिक के बीच में जो सुने और लगे कि हाँ मतलब कि हमें बाहर जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, जरूरत आएगी तो हम लेके आएंगे, ऐसा नहीं है, हमें दिखाना है पब्लिक को कुछ नया नया दिखाना है,
बट हमारे यूपी में बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है। मैंने सबसे पहले अनुज भैया से बात करी, जो कि मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे मैंने बात करी और काफ़ी फेमस डीजे है वो, तो सबको पता है भाई, कोई तोड़ नहीं है उनका वाइब्रेशन के मामले में। तो हमने कर लिया उसको और सब लोग एग्री हो गए कि ठीक है, बिल्कुल यही था इसके पीछे बस। देखिए मैं एक बात बोलूँगा, भाई लोगों ने काफ़ी उम्मीद से और हर तरीके से मतलब पूरी तैयारी से डीजे बुक करा और इनको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट भी मिलेगा और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। देखो आपने खुद भी देखा अनुज भाई लगे हुए हैं, ठीक है, और कल शाम को आ गए थे तो अब आज शाम को शायद आपको टेस्टिंग सुनने को मिल जाएगी। तो अब जो हम बाकी आधा सेटअप लग चुका है, आधा सेटअप वीडियो शूट हो रही है, टाइमिंग वगैरह 11-12 बजे के आसपास हो रही है। हाँ हाँ, ये सेटअप अभी आधा लग चुका है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा हाथ है हमारे विवेक भाई का, बाकी इन भैया पूरे सभी भैया को लोगों का मतलब बोलूँगा बराबरी का हाथ है। मैं एक बात बोलूँगा, लेकिन ये होता है ना कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर से करता है ना तभी वो अपना आगे जो है फ्यूचर बना पाता है, तो वही चीज़ हुई है। ठीक है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी को, और कुछ कोई कुछ बताना चाहता हूँ बता सकते हैं प्रेम भैया। बस कुछ नहीं, आप लोग आए हैं, आप लोग को यहाँ बहुत सम्मान मिले, हम चाहते हैं आप यहाँ से जाएं तो आप ये निराश होकर ना जाए कि हमारा वहाँ सेवा सत्कार नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि आप खुशी से जाएं यहाँ, कि वहाँ जाने के बाद भी ये हो कि हम कहीं गए थे, हमें बहुत अच्छी सेवा मिली है और हमें बहुत प्यार मिला है और बहुत अच्छा सहयोग मिला है। बस जय श्री राम, जय श्री राम।